हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गेम क्रो चैनल में। मैं गेम क्रो और आज मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग कीज़ को हम कैसे बाइंड कर सकते हैं कुछ आइटम्स बाय करने के लिए, जैसे कि नेड्स, आर्मर और हेलमेट, या फिर डिफ्यूज़ल किट्स और गन्स, या फिर हम किसी भी वेपन्स के सेट को बाय करने के लिए कीज़ को बाइंड कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको दिखाऊँगा कि वेपन्स को स्विच करने के लिए कीज़ को कैसे बाइंड करना है, जैसे कि इंसेंडियरी या फिर मॉली को, या फिर स्मोक, फ्लैश और नेड। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए टिल्ड की दबा के कंसोल खोलिए, जो कि टैब की से ऊपर और वन की से लेफ्ट में होती है। अगर उससे कंसोल नहीं खुल रही है तो सेटिंग्स में जाइए, गेम सेटिंग्स में जाके इनेबल डेवलपर कंसोल को यस कर दीजिए। बाय बाइंड के लिए जो बेसिक कमांड है वो है बाइंड स्पेस की स्पेस बाय स्पेस आइटम नेम। बाय और आइटम नेम कोट्स में रहेगा। पहले हम कीज़ के बारे में देखते हैं। ये एक नॉर्मल कीबोर्ड लेआउट है और CS:GO खेलते टाइम ये कीज़ हैं जो हमारी रीच में इजीली रहती हैं। इसमें से अगर देखेंगे तो ये वाली कीज़ जो कि परमानेंट प्रोग्राम्ड रहेंगी, जिन्हें हम चेंज नहीं करना चाहेंगे। और अगर आप ड्रॉप वेपन और क्विक स्विच को भी चेंज नहीं करोगे तो ये दो कीज़ भी परमानेंट रहेंगी। जो ग्रीन कीज़ हैं उन्हें हम चेंज करेंगे और ये वाली कीज़ हम बाय करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम नम पैड भी यूज़ कर सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन को आप पॉज करके देखना चाहेंगे क्योंकि इसमें न्यूमेरिक कीपैड्स के कंसोल नेम्स और सभी आइटम्स के कंसोल नेम्स हैं जो आगे हमारे काम आएंगे। अब बाइंड की कमांड लगाते हैं, बाइंड स्पेस F3 स्पेस कोट स्टार्ट्स बाय स्पेस HE grenade कोट्स एंड एंटर। इसके साथ हमने F3 को हाई एक्सप्लोजिव ग्रेनेड बाय करने के लिए बाइंड कर लिया है। अब जब F3 दबाएंगे तो नेट बाय हो जाएगा। पर्सनली मैंने F4 को बाइंड किया हुआ है फ्लैश बैंक को बाय करने के लिए, F5 को बाइंड किया हुआ है स्मोक ग्रेनेड को बाय करने के लिए, F6 को बाइंड किया है हेलमेट और आर्मर को बाय करने के लिए, F7 को बाइंड किया है डिफ्यूजल किट बाय करने के लिए। मॉली बाय करने के लिए जो मैंने बटन सेलेक्ट किया है वो माउस पे है, माउस 5। अब यहाँ पे इंसेंडियरी और मोलोटॉफ दोनों एक ही बटन पे बाइंड किए हैं ताकि जब मैं CT और T साइड में हूँ तो मुझे अलग अलग बटन्स नहीं यूज़ करने पड़े। माउस 5 बटन, जैसे कि आप देख रहे हो डेथ एडर माउस पे 5 बटन यहाँ पे है। F1 बटन और F2 बटन डिफ़ॉल्ट से सेट होते हैं ऑटो बाय और री बाय ऑप्शंस के लिए। ऑटो बाय आपके मनी के हिसाब से खुद ही जो बेस्ट वेपन्स वगैरह है वो बाय कर देता है। जब हम F1 दबाएंगे तो डिफ़ॉल्ट से ये मेन राइफल बाय हो जाएगी। अब हम बाकी चीज़ें बाय करना चाहेंगे तो दबाएंगे F3, F4, F5, F6, F7 और माउस 5। अभी वेपन स्विच की कमांड्स देखेंगे हम। वेपन स्विच के लिए कमांड है बाइंड स्पेस की स्पेस कोड स्टार्ट यूज स्पेस वेपन अंडरस्कोर आइटम नेम। अभी एग्जांपल के लिए हम F की को बाइंड करेंगे फ्लैश बैंक को स्विच करने के लिए, तो उसके लिए हम की को रिप्लेस करेंगे F के साथ और आइटम नेम को रिप्लेस करेंगे फ्लैश के कंसोल नेम के साथ, यानी कि फ्लैश बैंक। एंटर दबाएंगे। अब हम जब F दबाएंगे तो फ्लैश स्विच हो जाएगा। पर्सनली मैंने Z की को बाइंड किया हुआ है स्मोक स्विच करने के लिए। और माउस 4 को बाइंड किया हुआ है मॉली या फिर इंसेंडियरी स्विच करने के लिए। हम 4 की को बाइंड कर सकते हैं HE grenade स्विच करने के लिए। ऐसे ही हम इन ग्रीन कीज में से बाइंड कर सकते हैं डिकॉय को स्विच करने के लिए, ताकि हमारे पास हर एक नेड के लिए डेडिकेटेड की हो।
स्विच बाइंड से हम बिना नेट साइकिल किए जल्दी से नेट को स्विच कर सकते हैं। जब हम Z, X और C को किसी और वेपन स्विच करने के लिए बाइंड करेंगे तो हमारे जो स्टैंडर्ड रेडियो मैसेजेस हैं वो अनबाइंड हो जाएंगे। हमें उनको किसी और की के साथ बाइंड करना होगा, जैसे कि मैंने रेडियो 1 और रेडियो 3 को 6 और 7 पे बाइंड किया हुआ है। हम किसी एक की को बहुत सारी आइटम बाय करने के लिए बाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम के को बाइंड करेंगे एक सेट ऑफ आइटम्स को बाय करने के लिए। आप के की जगह पे न्यूमेरिक कीपैड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप हर राउंड पे कुछ स्पेसिफिक आइटम्स बाय करते हैं। जो न्यूमेरिक कीपैड्स हैं उनके कंसोल नेम्स अलग होते हैं, जो मैंने पहले आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई थी आप उसमें से उनके नेम देख सकते हो। अभी हम के को बाइंड कर रहे हैं फ्लैश, हाई एक्सप्लोजिव ग्रेनेड, स्मोक ग्रेनेड, आर्मर और हेलमेट और डिफ्यूज किट को बाय करने के लिए। इसमें हम वेपन्स जैसे कि गन्स वगैरह भी बाय कर सकते हैं, बट अभी हम सिर्फ नेड्स ही बाय करेंगे, तो इसलिए मोलोटोव को बाय करने के लिए हम ये वाली कमांड लगा के एंटर करेंगे। इसके बाद जब हम के दबाएंगे तो वो सारे के सारे इक्विपमेंट जो हमने वहाँ पे लिखे थे वो बाय हो जाएंगे। एक बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा अपने बिगिनर्स दोस्तों के लिए, अगर हम राइट क्लिक के साथ नेट थ्रो करेंगे तो वो दूर जाके गिरेगा, अगर हम दोनों क्लिक्स के साथ नेट थ्रो करेंगे तो वो मीडियम दूरी पे जाएगा, और अगर हम राइट क्लिक के साथ नेट थ्रो करेंगे तो वो अंडर हैंड थ्रो होगा और पास में ही गिर जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो लेकर जल्दी ही आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।